नमस्कार सभी साथियों को, हेल्प वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमको बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। हम ऐसे ही एजुकेशन संबंधी वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत सारे शिक्षक साथियों को ये प्रश्न है कि वो टेलीग्राम में अपने जो टीचर्स हैं उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, अपने साथियों को कैसे जोड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से। विभिन्न जिलों के जो ग्रुप बनाए गए हैं उनमें आप कैसे अपने शिक्षक साथियों को जोड़ सकते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि शिक्षक साथी रिक्वेस्ट करते हैं अपने जिला एडमिन से कि आप इनको ऐड कर दीजिए जिले के ग्रुप में, पर वास्तव में जो भी मेंबर्स हैं उस ग्रुप के वो सभी सक्षम हैं अपने ग्रुप में अपने साथी शिक्षकों को जोड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ आपको कैसे आप इस ग्रुप में अपने साथियों को जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जाने के बाद आपको कोई भी एक ग्रुप लेना है, जैसे ये मैं इसमें बिलासपुर का ग्रुप ले लेता हूँ और बिलासपुर वाचन कौशल के नाम से जो ग्रुप है उसको ले लेता हूँ। और उसमें आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है बिलासपुर वाचन कौशल, तो उसमें ग्रुप के नाम पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ग्रुप के नाम पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ये सभी मेंबर्स की सूची यहाँ पर दिखने लगेगी, ये आप देख सकते हैं। और उसमें ऊपर ऐड मेंबर का ऑप्शन है, तो ऐड मेंबर के ऑप्शन में आप जाइए। ऐड मेंबर के ऑप्शन में जाने के बाद आप अपने यहाँ पर जो टीचर्स हैं उसको आप अपने इस ग्रुप से जोड़ सकते हैं। जैसा कि मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, ये आप देखिए ऐड मेंबर करके आपको यहाँ पर दिख जाएगा टीचर का नाम, और उसके बाद आपको प्लस का चिन्ह जो राइट का चिन्ह है उसको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर बोलेगा कि क्या आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐड बटन पर क्लिक कर दीजिए। तो इससे जो है वो शिक्षक साथी जो है वो बिना किसी एडमिन की हेल्प के, बिना किसी से हेल्प मांगे आप स्वयं ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है और काम का लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही एजुकेशन संबंधी वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। धन्यवाद।